सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस न कर पाए। सोते समय इसे लगाओ, सुबह तक चेहरा दूध सा गोरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों ऐसा नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा जिसे इस्तेमाल कर आपका चेहरा सुबह तक गोरा हो जाएगा। दोस्तों आपको बस इस नुस्खे को रोजाना रात को सोते समय चेहरे पर लगाना है और फिर सुबह तक आप असर देखेंगे। अब तक न जाने आपने कितने भी नुस्खे इस्तेमाल किए हों, लेकिन ये नुस्खा सभी नुस्खों से आसान और इस्तेमाल करने लायक होगा और इस नुस्खे को बच्चे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। और यहाँ 1 2 3 4 5 टोटल 5 चीजें हम मिला करके एक नुस्खा तैयार करेंगे जिसे आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ रात को सोने से पहले। और दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेंगे बहुत ही कमाल के, सोते सोते आपका चेहरा गोरा हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक या कहीं चीज के बारे में बताऊंगा जिसे आपको ठंडी करनी है और फिर उसका इस्तेमाल करना है और फिर आप असर देखेंगे अपने चेहरे पर 5 गुना तेजी से इस नुस्खे का। लेकिन उसे जानने से पहले आपको इस नुस्खे को पहले जानना होगा वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए इस नुस्खे को जो भी मैं बता रहा हूं इसे आप पूरा ध्यान से देखें। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आप हमारी इस प्रकार की नई वीडियोस सबसे पहले देख पाए। तो चलिए आइए डायरेक्टली बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों इस नुस्खे में हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहली चीज जो कि होगी लेमन। लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं चक्कू लेकर के आता हूँ, इसे 20 से हाफ काट लेता हूँ। अब दोस्तों आपको इस लेमन के कम से कम 5 से 6 बूंद इस नुस्खे में मिलाने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको जो दूसरी चीज चाहिए होगी दोस्तों वो है दोस्तों खीरा। खीरा का इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसका इस्तेमाल करने से हमारी स्किन लाइटन होती है दोस्तों और ज्यादातर वाइटन होती है जो कि हमारे स्किन का गोरापन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट लेंगे और उसके बाद कद्दूकस करने के लिए हम इसको लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे इस प्रकार से कद्दूकस कर लेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों हमारे सामने ये खीरा इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इस कटोरी में जिसमें हमने लेमन का जूस डाला है उस पर हम इसके लगभग आधा चम्मच के बराबर यहाँ पर रस डाल देंगे, सिर्फ आधा चम्मच। यहाँ पर जो हम ककड़ी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम इन सभी चीजों को साइड में रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो तीसरी चीज जिसका आपको प्रयोग करना है जो कि है दोस्तों गुलाब जल। गुलाब जल का आपको यहाँ प्रयोग करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करें दोस्तों। ये वो चीज है जो कि आपकी मदद करेगी आपकी स्किन को गोरा करने के लिए और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में कोई गंदगी है तो ये वो चीज है जो आपकी स्किन को साफ भी करेगी। तो आपको इसकी भी मात्रा मैं बता देता हूँ कितनी लेनी है। इसकी मात्रा आपको ज्यादा नहीं लेनी, लगभग आधा चम्मच के बराबर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी चौथी जो चीज रहेगी दोस्तों वो रहेगी विटामिन ई की कैप्सूल। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर विटामिन की जो कैप्सूल है वो इवन 400 400 mg वाली है, आपको इसके यूज करना है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इस केमिस्ट की शॉप पर जाकर परचेस करेंगे तो मुश्किल से 20-22 रुपए में आ जाएगी, तो जाकर आप इसे परचेस कर ले, बहुत ही अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आपको 400 mg वाला विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है। इसका जो लिक्विड रहेगा वो हम इसमें डाल देंगे, विटामिन ई का जो लिक्विड रहेगा पूरा इसमें आपको डाल देना है इस प्रकार से। अब दोस्तों आखिरी में यहाँ पर आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। ये चीज हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ उसके अंदर तक जाकर के पोर्स को डीप क्लीन करती है, साथ ही साथ उन्हें मॉइस्चराइज करती है दोस्तों। इसका आपको यूज करना है लगभग 1 चम्मच के आसपास, 1 चम्मच आप इस प्रकार से इसमें डाल दें और इसके बाद इन सभी चीजों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो सीरम है बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप जानते हैं कि आपको इसे इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। दोस्तों आपको इसे कुछ नहीं करना, आपको रात को सोने से पहले अपने चेहरे को एक ठंडे पानी से साफ करना है, उसके बाद आपको इसे अपने चेहरे पर लगा लेना है। सिंपली आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें और थोड़ी देर आप मसाज करें कुछ इस प्रकार से, इसे लें और इसके बाद अपनी स्किन पर ऐसे रख करके आपको जो है राउंड सर्कल पे थोड़ी देर मसाज करनी है और जैसे ही थोड़ा डिजॉल्व होना शुरू हो जाए आप इजिली जाकर के सो जाएं और सीधा उठने के बाद सवेरे आपको इसे वॉश
वॉश करना है, वो भी ठंडे पानी से। ऐसा आपको डेली करना है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज का यूज करने के बाद भी आपके चेहरे का गोरापन नहीं बढ़ेगा। दोस्तों बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बहुत ही इजी है, इसका आप यूज जरूर करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आखिर वो क्या चीज है जिसे हमको पहले ठंडी करनी है फिर उसके बाद अपने चेहरे पर यूज करना है, जिससे इस नुस्खे को जो अभी मैंने बताया उसका रिजल्ट और तेजी से मिलेगा हमको। तो दोस्तों वो कुछ चीज और नहीं है, वो है दोस्तों दही। जी हाँ दोस्तों, आपको दही का प्रयोग करना है अपने चेहरे पर। सिंपली इस नुस्खे को जो अभी मैंने आपको बताया, इस नुस्खे को प्रयोग करने से पहले आपको ठंडी दही लेनी है, अपने चेहरे को साफ करना है, उसके बाद इस दही को अपने चेहरे पर थोड़ी देर लगा करके रखना है। सोने से मुश्किल से 1 या 2 घंटे पहले आप लगा लें, 15-20 मिनट तक आप थोड़ी मसाज कर लें अगर हो सके तो, वरना आप लगा करके भी रख सकते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप दही को अपने चेहरे पर से साफ कर लें। फिर उसके बाद सोने से 1 घंटे पहले आप जो भी मैंने नुस्खा बताया 5 चीजों को मिला करके, जी हाँ इसी नुस्खे को आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है, जैसी सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई। डेली यूज करें दोस्तों, आपको विदिन 1 वीक ऐसे कमाल के रिजल्ट मिलेंगे जो आपने अभी तक से नहीं देखे होंगे। दोस्तों इतना इजी नुस्खा मुझे नहीं लगता कोई और चीजें आपको और इसमें मिलाने की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कोई और आपको बता पाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाइए। अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड तो नीचे जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।